बॉक्सर विजेंद्र सिंह का दावा है कि लंदन ओलंपिक से भारतीय मुक्केबाज खाली हाथ घर बिल्कुल नहीं लौटेंगे। लंदन रवाना होने से पहले विजेंद्र सिंह से बात की हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने। आप जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, देश के हीरो हैं, विजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। विजेंद्र, देश तो आपके लिए दुआ करेगा यकीनन, लेकिन आप क्या वादा करें देश? जी, मैं पहले भी कहा था सर, वादे अक्सर टूट जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अच्छा करें और पहले से बेहतर करें, और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हम लास्ट टाइम ब्रॉन्ज था तो मैं भी गोल्ड या सिल्वर तो लेके आए। इस बार बीजिंग के मुकाबले इस बार आपकी तैयारियां किन मायनों में अलग हैं? जी, तैयारियां बहुत अच्छी हैं। जो हमारा ट्रेनिंग कैंप था, अभी कहते हैं जब से क्वालिफाई हुए जितने बॉक्सर तब से पटियाला में हुए हैं, और बीच में हम ट्रेनिंग सेशन के लिए बाहर भी गए, कजाकिस्तान और आयरलैंड थी हमारी ट्रेनिंग। तो जितने बॉक्सर हैं फिट हैं सर अभी, और पहले से बेहतर अच्छी ट्रेनिंग हुई है, और जो नए बॉक्सर आए हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़े दाव है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आई होप कि हम पहले से बेहतर करेंगे इस बार। जब आप बीजिंग गए थे तब शायद उम्मीदों का दबाव आपको उतना नहीं था जितना इस बार है। हर कोई बात करता है तो बात करता है कि मेडल तो आएंगे ही आएंगे, इस प्रेशर को टैकल करना कितना मुश्किल, कितना आसान? सर, प्रेशर नहीं, आई थिंक ये कहते हैं कि आशा है लोगों की और चाहते हैं हमसे कि मेडल लेके आए, तो इसके लिए हम ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं। और लास्ट टाइम कहते हैं कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अभी नाम है तो ओब्वियसली उसके लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है और ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ती है। बस दैट्स इट। विजेंद्र, जो आपके साथी हैं वो आपके पहले, ज्यादातर साथी आपके पहले क्वालिफाई कर गए, कभी आपको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन लास्ट में नंबर आता है? कहते हैं 2004 में ले लो, 2008 में, तो लास्ट की टिकट मेरी होती है। वो कहते हैं भैया बस तू ही लेके जा इसको, तो फाइनली कहते हैं पकड़ लेता हूँ उस ट्रेन को मैं। और रही बात मेन इवेंट की ओलंपिक्स में, तो उसके ऊपर होगा कि वहां कौन अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके लिए मैं बेस्ट दूंगा अपने और बेस्ट करूंगा।